मैं राकेश रंजन सिंह। अभी हम लोग गंगा नदी में घूम रहे हैं। यहाँ से हमें नदी के उस पार बहलेलपुर में जाने के लिए, अपने पंचायत के दूसरे छोर में जाने के लिए 6 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। यहाँ पे आने के लिए इसी रास्ते से आना पड़ता है। अब पटना से आने में मात्र 40 किलोमीटर का दूरी है और 40 किलोमीटर आने में कम से कम 4 घंटा का समय चाहिए। कभी घने कोहरे का भी सामना करना पड़ेगा, कभी धूप का भी सामना करना पड़ेगा, कभी बारिश का भी सामना करना पड़ेगा। जब मेरी शादी हो गई तो देखते हैं यहाँ पे आए तो हर एक घर घर अंधेरा सा, जैसे कि एक दिया बढ़ते थे, मिट्टी तेल रहते थे तो जलते थे, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ दिखाई देते थे, पूरा भय सा लगता था। यहाँ से बेटी को शादी करा के लेके चली जाती है और तो और देना नहीं चाहती यहाँ पर। आज़ादी के करीब 70 साल हो गए लेकिन आज तक यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब हम मुखिया बने ना तो हमको ऐसा लगा कि ये बिजली को यहाँ बहलेलपुर दियारा में ही उपलब्ध कराई जाए। इस गांव में अभी सोलर पावर प्लांट लगा है तो ये 3 सिस्टम पे आधारित है। एक तो सोलर पैनल पे आधारित है, दूसरा जनरेटर सिस्टम पे आधारित है और तीसरा बैटरी सिस्टम पे आधारित है। अभी बल्ब की व्यवस्था हो गई, अब रात में बल्ब जला करके बच्चे पढ़ रहे हैं। हमको टीचर का अधिकारी चुने हैं, 15 महिला को 2 घंटे करके पढ़ाते हैं। ये लोग साइन सिग्नेचर कुछ भी करने के लिए नहीं जानते थे और जब भी जाते थे बैंक पर पैसा वैसा भी उठाने के लिए तो अपना हाथ का टिप्पा अंगूठा लगाते थे। जब से पढ़ाई कर रही है महिला को भी एहसास होने लगी है कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। जैसे रोशनी हो गई तो काम करने से हमको इतना समय बच जाती है, जैसे सुबह 4 बजे जगते हैं, अपना घर का काम व्यवहार हर चीज करके बाल बच्चे को भी साफ सुथरा करके अपना स्कूल भेज देते हैं। शाम पर फिर होती है तो बाल बच्चे को पढ़ाई समय समय पर करवा उड़वा के अपना मनोरंजन के लिए टीवी देख लेते हैं। अब लग रही है कि हमारे गांव भी एक टाउन जैसी बनने वाली है। मार्केट हो जाएंगे, पिटिया लग जाएंगे, हॉस्पिटल बन जाएंगे तो आप रूपी यहाँ पे सारा दुख जो यहाँ का दूर हो जाएगा। ये सिर्फ जेनरेटिक या बिजली वाली ऊर्जा ही नहीं है, इस सोलर पावर प्लांट से लोगों के सोच में भी नई ऊर्जा आई है।